दोस्तों लैंग्वेज वाले क्वेश्चन की ऑलरेडी 5 वीडियो जो है मैं बना चुका हूँ। आज छठा वीडियो में लेकर आया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि पांचों वीडियो से आप कुछ ना कुछ नया सीख पाएंगे। तो आज चलिए छठा क्वेश्चन हम लोग जो है छठे वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसको देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन आपको जो है स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हंसों के एक झुंड में से उनकी संख्या के वर्गमूल के 7/2 गुने तालाब के किनारे खेल रहे हैं और बचे हुए 2 पानी में पानी पर तैर रहे हैं। हंसों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको सबसे पहले जो ज्ञात करना है उसको मान लिया करिए। तो जैसे मैं यहां पर क्या मानता हूं, माना हंसों की संख्या। मैंने यहां पर क्या लिख दिया, माना हंसों की संख्या बराबर है, माना कि हंसों की संख्या बराबर एक्स। हंसों की संख्या हमें नहीं पता थी तो मैंने क्या मान लिया उसको, एक्स मान लिया। अब आते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार हमसे प्रश्नानुसार ये बोला है कि हंसों के एक झुंड में से उनकी संख्या के वर्गमूल के 7/2, तो मतलब हंसों की संख्या तो एक्स है पूरी, अब इसके वर्गमूल के, तो इसका वर्गमूल कितना हो गया, एक्स का वर्गमूल ऐसे लिखा जाएगा, इसके 7/2, इसके 7/2 गुने तालाब के किनारे खेल रहे हैं और बचे हुए 2 पानी में तैर रहे हैं, और जो बच गए वो 2 क्या पानी में तैर रहे हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, 2 और प्लस कर देंगे, क्योंकि इसका हम वर्गमूल लेंगे और इसका 7/2 गुना तालाब में तैर रहे हैं और 2 जो है वो पानी पर तैर रहे हैं, तो वो प्लस 2 यहाँ पर लिखा जाएगा। अब हम इसको जो है सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7√x अपॉन का 2 प्लस का यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। जब हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं या तो हम इस 2 को इधर भेज दें, तो 2 को अगर हम इधर भेजते हैं तो एक्स माइनस 2 हो गया, बराबर आ गया 7√x अपॉन का 2। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, तो दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और 7√x अपॉन 2 का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका होल स्क्वायर हम इधर ओपन कर देते हैं तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab मतलब 4h बराबर 7 का स्क्वायर 49 और रूट एक्स का स्क्वायर एक्स, ठीक है, और 2 का स्क्वायर 4, ये 4 इधर अपॉन में इधर आ जाएगा गुणा में हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर प्लस 4 चौक 16 और फिर यहां से 4 चौक 16x बराबर 49x, ये 49x इधर आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस का हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, माइनस का 16x फिर माइनस का 49x और ये प्लस का 16 इधर निकल बराबर में 0, ठीक है। अब हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, 4x स्क्वायर 9 6 15 के 5 4 1 5 और 1 कैरी 6 65 आ गया एक्स और प्लस का कितना आ गया 16 बराबर में कितना आ गया 0 आ गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए 16 चौके 64 गुणा करने पर 64 आइए आना चाहिए, जोड़ने और घटाने पर 65, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर माइनस का 64x और फिर माइनस का x प्लस का 16 बराबर, ठीक है। यहाँ से अगर हम 4x कॉमन ले लें कितना आ जाएगा, x माइनस 16 चौके 64, यहाँ से 1 कॉमन ले लें तो x माइनस कितना आ जाएगा, 16 बराबर 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि x माइनस 16 यहाँ पे आ जाएगा 4x माइनस 1 बराबर 0, x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। तो यानी कि यहाँ से हमको ये बात पता चली कि हंसों की संख्या कितनी हो जाएगी, 16, क्योंकि हंसों की संख्या फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकती 1/4, ठीक, तो यहाँ पर कितनी होला हो, हंसों की संख्या कितनी आ जाएगी, 16। अब हम इसको प्रूव करके देखते हैं क्या हमारी बात जो है वो सही या गलत। तो हमारे पास क्या है, 16। अब इसने बोला है कि इसके वर्गमूल के 7/2 तालाब के किनारे, तालाब के किनारे क्या था क्वेश्चन, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं हम। क्वेश्चन था कि एक 7/2 गुने तालाब के किनारे खेल रहे हैं और 2 बच्चे पानी में तैर रहे हैं, तो हम इसका पहले वर्गमूल करेंगे, तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा और इसका 7/2 और प्लस 2 क्या 16 आता है या नहीं आता, देखते 2 × 2 = 4, 2 × 7 = 14 हो गया और प्लस 2 यानी 16 आ गया, यानी कि जो बात है वो सही है, एकदम करेक्ट उत्तर आ रहा। आंसर एक बार हम आंसर शीट से जो है मैच करा लेते हैं,
तो आंसर हमारा एकदम करेक्ट आ रहा है। अब हम चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ, इसका जो है स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे, देखते हैं लिखा है क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होगी तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेगी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है तो हमको सबसे पहले मान लेना है कि रेलगाड़ी की चाल, तो माना रेलगाड़ी, रेलगाड़ी की चाल बराबर एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि चाल है तो हमें यूनिट क्या रखनी पड़ेगी, किलोमीटर प्रति घंटा। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि प्रश्न अनुसार जो बोला है, और हमसे क्या बोला है, यह एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं दूरी, पहले दूरी लिख देते हैं कि दूरी कितनी है 360 किलोमीटर, दूरी कितनी है 360 किलोमीटर है। अब आते हैं प्रश्नानुसार यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार आप प्रश्नानुसार क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। इसने कहा यदि यह चाल, मतलब जो चाल नेक्स्ट थी, यह चाल 5 किलोमीटर अधिक, 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होगी तो वह उसी यात्रा को 1 घंटा कम समय में कर लेगी। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये पहले कितना समय ले रही है, तो पहले समय को हम T1 मान ले, और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे स्पीड यानी कि चाल, चाल को हम ऐसे लिख देते हैं स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस पहले कितना था 360 और स्पीड पहले कितनी थी x, तो ये आ गया समय आ गया, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं ठीक। अब आते हैं प्रश्नानुसार, जब इसने बोला कि उसकी चाल कितनी बढ़ा दी जाए, 5 बढ़ा दी जाए, तो हम इसकी चाल यहां लिख देंगे 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ा देने पर, 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ा देने पर चाल क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब इतना दूरी तो हमारी इतनी ही तय करनी है, तो दूरी बराबर कितना हो जाएगा 360 किलोमीटर, तब हमारे पास समय कितना आएगा, समय अगर निकालें तो डिस्टेंस बटे स्पीड, डिस्टेंस कितना दिया है 360, स्पीड हमारे पास हो गई एक्स प्लस 5, यहाँ पे आ गया आवर। अब आते हैं, ये हमारे पास T1 था, ये हो गया T2। अब चलिए हमसे क्या कहा है कि यहाँ पर जो दूसरा वाला, जब चाल जब बढ़ा देते हैं तो समय कितना है T2 आया, ठीक है, ये इससे 1 घंटा कम समय लेती है, तो हम T1 में 1 घंटा कम कर देंगे समय, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं, T2 इसको इधर भेज देंगे तो T1 आ जाएगा यहाँ -1, T2 की वैल्यू कितनी है 360 एक्स प्लस 5 माइनस, T1 की वैल्यू कितनी है 360 अपॉन एक्स इक्वल टू -1, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर एक्स प्लस 5 इंटू एक्स, इससे ये कट गया एक्स आ जाएगा 360, इससे ये कट गया यहाँ पर कितना आ गया 360 है, प्लस माइनस माइनस का 36 पंचे होता है 180 और 1 0 इसका 1800 बराबर -1, ये प्लस माइनस पूरी वैल्यू कट गई, इसका हम गुणा करते हैं तो एक्स का एक्स से करेंगे एक्स स्क्वायर और -1 से मल्टीप्लाई होकर माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा 5x और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 5x स्क्वायर टू में क्या है माइनस का 1800, अब ये उधर जाएगा तो ये उधर जाएगा प्लस, ये उधर जाएगा प्लस का 5x, ठीक है, और इधर तो माइनस का 1800 ही, ठीक। अब हम क्या करेंगे इसका जो है फैक्टर इधर साइड में कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 1800 बराबर, ठीक है, इसका फैक्टर जब हम करेंगे तो एक्स स्क्वायर 45x और माइनस कितना जाएगा 40x माइनस का 1800 बराबर, 45 को अगर हम 40 से गुणा करें तो कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा, ठीक है, यहां से अगर हम एक्स फॉर्मल ले लेते हैं एक्स प्लस कितना आ जाएगा 45, ठीक, माइनस का अगर 40 फॉर्मल ले लेते हैं एक्स प्लस का कितना जाएगा 45 बराबर 0, एक्स प्लस 45 बराबर 0 और यहां से एक्स माइनस 40 बराबर, ये वैल्यू निगेटिव आएगी तो स्पीड निगेटिव हो नहीं सकती तो इसको निगलेक्ट कर देंगे छोड़ देंगे, यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 40 और एक्स को ये मान रखे थे कि वो रेलगाड़ी की चाल है, तो यानी रेलगाड़ी की चाल हम यहाँ पर लिख सकते हैं कितना आ गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा,
हम आंसर में क्या लिख देंगे, अतः रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब चलते ये करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें आधार को कुछ ना कुछ मान लेना है, क्योंकि आधार के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। इसका नाम रखना चाहिए तो नाम रख लीजिए एबीसी। कर्ण कितना दिया है 13, तो आप लिख दीजिए 13 सेंटीमीटर। हम आधार को मान लेते हैं एक्स, और इसने कहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार अगर एक्स है तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, एक्स माइनस 7 सेंटीमीटर लगा लेना है आपको। अब आइए, तो इसने बोला तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अन्य दो भुजाएं मतलब लंब ज्ञात करना है और आधार ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात कर लेते हैं। हम लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस कर्ण की वैल्यू कितनी है 13, कर्ण स्क्वायर लंब की वैल्यू कितनी है एक्स माइनस 7 कर्ण स्क्वायर प्लस आधार की वैल्यू एक्स एक्स कर्ण स्क्वायर 13 कर्ण स्क्वायर 169। यहाँ बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का एक्स स्क्वायर। यहाँ आ गया 169 एक्स स्क्वायर एड होके 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49। फिर ये उधर जाएगा 169 बराबर 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49 माइनस का 169। ठीक है, अब हम इसको इधर लिख लेते हैं, इसका फैक्टर इधर करेंगे। कितना आ गया 2x स्क्वायर माइनस का 14x। अब यहां पर देखिए, अगर 169 में से 49 जाएगा तो 120 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं माइनस का 120 बराबर। अब यहाँ पर आपको एक चीज दिख जानी चाहिए कि इसमें इवन नंबर इवन नंबर इवन नंबर, जब सम संख्याएं हो तो हम कॉमन ले लेते हैं। दो कॉमन ले लेंगे एक्स स्क्वायर, 2 × 7 = 14x, 2 × 6 = 12, यहाँ पर आ जाएगा 60 बराबर। ठीक, यहाँ से 2 उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, माइनस का 60 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब गुणा करने पर 60 आए, जोड़ने और घटाने पर 7 आए, तो 12 × 5 कितना होता है, 12 × 5 = 60 होता है। तो वही लिख लेते हैं यहाँ पर माइनस का 12x, और यहाँ पे लिख देते हैं प्लस का 5x माइनस का 7। प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 12 होता है, तो 7 आ जाएगा। एक्स कॉमन लेते ही एक्स माइनस कितना आ गया 12, प्लस 5 कॉमन ले लेंगे कितना आ जाएगा, एक्स माइनस 12 लगा देंगे। यहाँ से कितना आ जाएगा, एक्स माइनस 12, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस 5 बराबर 0। यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स बराबर 12, एक्स बराबर 12, तो यानी आधार की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हम यहाँ पे लिखेंगे आधार बराबर कितना आ गया 12, और लंब बराबर कितना आ जाएगा 12 − 7 यानी कि 5। अब यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप क्या करिए, आप जो है इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। हम इसका उत्तर जो है मिला लेते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन जो है आ गया है, एकदम करेक्ट है 12 और 5। तो आप इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पर हम जो है सेंटीमीटर लगाना भूल गए हैं, तो आप सेंटीमीटर जरूर लगाइएगा, ताकि इससे यूनिट से डाटा आइडेंटिफाई होता है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पर, एक वस्तु को 39 रुपए में बेचने पर व्यापारी को उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य था। तो हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें जो ज्ञात करना होता है वो मान लेते हैं। तो माना वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य बराबर एक्स है। ठीक, फिर इसने कहा कि उसको उतने ही प्रतिशत का लाभ होता जितना उसका क्रय मूल्य था। तो हमने लिखा लाभ बराबर एक्स प्रतिशत लाभ हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न अनुसार। ठीक है, हमको ये बात पता है कि एसपी बराबर होता है सीपी प्लस प्रॉफिट। अगर हम सीपी में प्रॉफिट जोड़ दे तो हमें सेलिंग प्राइस आ जाती है, एसपी आ जाती है। तो हमसे ये कहा, क्या कहा, 39 रुपए में बेचने पर, किसी वस्तु को 39 रुपए में बेचने पर व्यापारी को उतना ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना उसका सीपी था। तो सीपी मैंने कितना माना, सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य, एसपी का मतलब होता है विक्रय मूल्य, प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ। यहाँ आ गया प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो क्रय मूल्य गुणे प्रॉफिट परसेंटेज, यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 39 बराबर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बटे 100
100 का गुणा इससे होगा, फिर जो बचेगा फिर इससे हो जाएगा, 3900 बराबर 100x प्लस का एक्स स्क्वायर। इसका फैक्टर हम इधर कर लेते हैं साइड में, यहां पर क्या आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस का 100x और ये 39 इधर आ जाएगा, तो 3900 बराबर हो गया। गुणा करने पर 3900 आए, जोड़ने और घटाने पर 100 आए, तो यहाँ पर हम क्या लिख दें 130 एक्स माइनस का 30 माइनस 3900 बराबर में 0। ठीक है, इसको नीचे लिख दें, यहाँ पर आ गया 30 एक्स माइनस, ठीक एक्स कॉमन ले लेते तो एक्स प्लस कितना आ जाएगा 130, माइनस का 30 कॉमन ले लेते कितना आ जाएगा एक्स प्लस 130 बराबर में 0। एक्स प्लस 130 यहां से आ जाएगा एक्स माइनस 30 बराबर 0, एक्स बराबर कितना आ जाएगा 30, एक्स बराबर कितना आ जाएगा 30। हम आंसर चेक कर लेते हैं, हाँ उत्तर एकदम सही है, तो हमारा कितना रुपया हो जाएगा कि वस्तु का क्रय मूल्य 30 रुपए होगा, वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि सीपी कितना होगा 30 रुपए। ठीक है, 30 रुपए होगा, ये हो गया आंसर। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को कोई वस्तु 96 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना उस वस्तु का क्रय मूल्य है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मैंने अभी अभी बताया कि जो ज्ञात करना हो उसको क्या कर लीजिए, मान लीजिए माना वस्तु का क्रय मूल्य बराबर एक्स है। ठीक है, लाभ कितना हो जाएगा उसको एक्स प्रतिशत का होगा। फार्मूला हमारे पास क्या होता है, एस पी बराबर सी पी प्लस प्रॉफिट। ठीक, एस पी कितने रुपए में बेचने पर 96 रुपए में, एस पी का मतलब होता है इसमें सेलिंग प्राइस का मतलब होता है विक्रय मूल्य, सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस को बोलते हैं क्रय मूल्य, प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ। तो सीपी को मैंने क्या माना एक्स, प्रॉफिट कितना है मेरा एक्स, प्रॉफिट कैसे आएगा तो हमारे पास सीपी गुणे प्रॉफिट परसेंटेज, यहां से आ जाएगा सीपी। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 96, इसका इससे गुणा हो जाएगा कितना आ जाएगा 100x। ठीक है, प्लस तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखा रहने दे, 100 का 100x लिखा रहने दे, यहां पर ये इधर जाएगा तो कितना जाएगा 9600 बराबर, गुणा करने पर कितना आए भैया 9600 आए, जोड़ने और घटाने पर 100 आए। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 160x और माइनस का 60x, माइनस का कितना आ जाएगा 9600, गुणा करने पर आ जाएगा 9600, जोड़ने और घटाने पर कितना आ जाएगा 100x आ जाएगा। एक्स कॉमन ले ले तो एक्स प्लस कितना आ जाएगा 160, माइनस 60 कॉमन ले ले तो कितना आ जाएगा एक्स प्लस 60 बराबर का 0, यहाँ से आ जाएगा एक्स प्लस 160 और यहाँ से कितना आ जाएगा एक्स माइनस 60 बराबर 0, यहाँ से वैल्यू हमारी निगेटिव आएगी तो उसको नहीं लेंगे, यहाँ से आ जाएगा एक्स बराबर 60 और कॉस्ट प्राइस को हमने क्या मान रखा था एक्स मान रखा था, तो यानी कि सीपी यानी कि क्रय मूल्य कितना आ गया हमारा 60। तो यहाँ पे लिख देते हैं क्रय मूल्य पूछा था, तो वस्तु का क्रय मूल्य 60 रुपए होगा, वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा 60 रुपए होगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।